नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू प्याज टमाटर और मिर्च की मिक्स सब्जी। सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन पिसा हुआ, तेल, जीरा। सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस को चालू करेंगे। गैस पे कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो रहा है, गर्म होते ही हम इसमें जीरा डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा हल्के भूरे कलर का हो गया, हम इसमें हमने तो टमाटर है बारीक कटे हुए वो डाल देंगे। और प्याज डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और बारीक से जो हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। ये सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो हमारे मसाले हैं वो डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, चौथा चम्मच हल्दी। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे। एक मिनट तक हमने इसे पका दिया। अब हम इसमें अपनी आलू है बारीक कटे हुए वो डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल एक अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को थोड़ा तेज कर देंगे ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए। जो हमारा लहसुन है बारीक पिसा वो भी डाल देंगे। लहसुन को भी सब्जी में मिक्स कर देंगे। सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। आधा गिलास पानी डालते हैं जिससे हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगी। हम सूखी सब्जी नहीं बना रहे हैं। अब सब्जी को 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे और सब्जी के ऊपर ढक्कन लगा देंगे। सब्जी को 10 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। बीच बीच में हम सब्जी को हिलाते रहेंगे ताकि सब्जी हमारी जो नीचे कढ़ाई के लगे नहीं। 10 मिनट हो गए, हमारी सब्जी है जो पक कर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसे, आलू बिल्कुल नरम हो गए हैं। और गर्मा गर्म परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।